तेरे पुत्र दी बरात है, तू लड़की वालिया को कड़ा पवा रहा दो तोड़े दा, गुट फड़ सरदार साहब दा कि भाई तुसा धी देती पिछे रखिया की, तू कड़ा भी पवाई जा रहा है ते नाले कही भी जा रहा है, रहन दियो इहदी की लोड़ सी, रब दा दिता मेरे को सब कुछ है, पर अंदरों बिरती हैगी है भी जो कुछ आउंदा उच्ची बोलो जी आण दियो। घर जगह नहीं हुंदी कारां खलारन नूं, पर फिर भी लड़की वालियां दे कोलों आस लाई जांदी, ते कई लड़की वाले भी ऐसे ने लड़के वाले ना मंगण ना वह धक्के ना देना चाहते हैं क्योंकि लड़की अणख पाल के बैठी है, मैं अपनी कार लैके जाऊंगी नाल, माफ करना कि ये भी कसूर हैगा साडे समाज का, असी जो एक परिवार इदां दा काम करदा लैणा लगियां पईआं ने जिथे दाज दे लोभियां ने पता नहीं किन्नियां लड़कियां नूं अग ला के साड़ दिता है, जे दोनों परिवार सहमति दे नाल इदां सिंपल आनंद कार्ज करन समाज किड्डा खूबसूरत बने, किन्नी समाज की तस्वीर सोहनी बनेगी, पर समाज इस बने साडा सोचण नूं तैयार नहीं, अं तो गुरुद्वारे आए मत्था टेकिया परिक्रमा कीतियां देग लई लंगर छकिया गुरपुर मनाया गया मनाया गया मनाया गया, वह मनाया गया भाई तू कदों अपने आप नूं मनाएगा, तू कदों अपने आप नूं गुरु की विचार नाल तोरेगा, पातशाह जी कहिंदे सज्जण सेई नाल मैं चलदिया नाल चलाना, जिथे लेखा मंगी है जिथे लेखा मंगया जाएगा ना उथे सिर्फ तेरे सज्जण काम आउणगे, नानक अवगुण जेतड़े ते गली जंजीर, जिन्ने अवगुणा इन जंजीर ने जे गुण होवण तां कटियां से भाई से वीर, इंज समझो भी जेड़े अवगुण ने बंदे दे दुश्मन ने, जेड़े गुण ने बंदे दे मित्र ने, ते अज बंदा दुश्मनां दे हत्थी चढ़िया होया अवगुणा दे हत्थी चढ़िया होया, गुणा दी ते गल सुन नूं तैयार ही नहीं, ते भगत कबीर जी की कहिंदे ने भला क्यों छूटो, एक यह सवालिया चिन्ह है क्वेश्चन मार्क है, मैं किवें छूटा इन्हां तों, अज बंदे दी अरदास पता की हुंदी है कि मैं पुठे काम करी जावां, महाराज किसी नूं पता ना लगे पड़दा पा दी अरदास ये कर के मेरे को गलत काम होवे ही ना, मैं पुठे बने जावां ही ना, क्यों छूटो सारे पढ़ो क्यों छूटो, किहदे तों छुटां किहदे तों, यह सवाल है ना, मैनूं फड़िया किहने भला जे तुम छुटना, किहने फड़िया पाठ पढ़ियो आयुर्वेद विचारियो निवल प्रियंगम साधे पंच जना स्यों, इन्ना वधा पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो अधिक, सारे पढ़ो जी बाणी पढ़ो अधिक प्यारे, सास जी खोल के बाणी पढ़ो जी प्यारे इन बिद, मैं बड़े बड़े कर्म किए बड़े तरीके वरते भी मैं इन्हां पंजां तों खेड़ा छड़ा लवां, प्यारे इन बिद मैं किए, मैं बड़े कर्म करके वेखे बड़े तीर्थां ते नहा के वेख्या बड़े चलीए कट के वेखे बड़े शब्द पढ़ के वेखे नंगे पैर भी तुर के वेखे, मैं किए कर्म अनेकां हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे, बुद्ध विवेक केड़ी हुंदी भला जी, जेड़ी बुद्ध तुहानू चंगे ते माड़े काम की परख दसे ते चंगे काम कर ली प्रेरणा देवे इनू विवेक बुद्ध कहिंदे ने, चंगे माड़े काम का पता लग गया हुण चंगे काम के उत्ते पहरा देना है माड़ा काम छड़ना है, इनू कहिंदे ने बड़ा विवेकी बंदा है, पर साडे लोगों के विवेक की परिभाषा भी अपनी है, जिहड़ा किसी दे हाथ की रोटी ना खांदा होवे अपने कहिंदे बड़ा सिंह विवेकी है बई, यानी कि जिहड़ा किसी के हाथ की रोटी ना खावे वह विवेकी है, पर ऐसे विवेक नूं ते गुरमत विच कोई थां नहीं, विवेकी किहने बनना है
जेनू चंगे माड़े काम की परख है ते अपनी जिंदगी जिन्हें चंगे काम नू तरजीह दिती है बाणी उनू बबेकी कहिंदी है। दीजे बुद्ध बबेका बबेक बुद्ध ओ बुद्ध जिहड़ी मैनू चंगे काम करन लई प्रेरणा दिंदी है। क्यों छूटो कैसे तरो किदां छुटां ते किवें मैं तरां भव जल निध भारी। ये जिहड़ा भव जल निध भारी बड़ा भयंकर समुंदर है इस मैं किवें अपने आप नूं बचावां। राख राख मेरे जन शरण तुम्हारी। राख राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण। मैं निर्गुण यारा सारे गुण तुसी पंच बिखादी। ओ पंज ने मेरे अंदर लड़ाई असी ना अपने घर च लड़ाई पै जाए ना ते आपां कई वारी किसे नूं कसूरवार नहीं ठहराउंदे। फलाना आया साढ़े घर लड़ाई पा गया, फलाने ने साढ़े घर लड़ाई पाती, बई असी इल्जाम लाने एक दूजे उत्ते। तो भगत गुरु अर्जन साहब जी की कहिंदे ने पंच बिखादी, पंज ने बिखाद खड़ा करन वाले ते हर एक दे अंदर रहिंदे ने। लड़ाई मेरे अंदर जिहड़े पंज बैठे उन्होंने पाई है, मैं तो दूजे ते इल्जाम एवें लाई जाना। आ कईआं दे जदों आनंद कारज हुंदे आ ना, कईआं दा पुत्तर ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਨੇ ਧੀ ਦਾ ਮੱਥੇ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਛੇਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਬਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਪ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਧਾ। ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਕੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ